पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने किया नगर निगम का घेराव, तालाबंदी, वर्तमान कमिश्नर की जगह आईएएस कमिश्नर को लाने की मांग की। नगर निगम में पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों ने कमिश्नर चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन कर तालाबंदी की। कांग्रेसी पार्षदों का कहना था, शहर के लगभग प्रत्येक वार्ड में इन दिनों पानी की समस्या है। वो चाहते थे जितने भी हैंडपंप सूख गए हैं या किसी भी कारण से खराब हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए, समस्याग्रस्त वार्डों में पानी पहुंचाने की उचित व्यवस्था की जाए। कांग्रेसी पार्षद दल जब अपनी इन मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा, वहां पर कमिश्नर को ना पाकर उन्होंने गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर डाली। कांग्रेसी पार्षदों का कहना था, सूचना देने के बाद भी कमिश्नर ऑफिस में नहीं मिले। नगर निगम कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटाकर नगर निगम की व्यवस्था सुधारने के लिए आईएएस कमिश्नर की पदस्थापना की जाए। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पार्षदों के साथ धरने में बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि रीवा शहर की जनता को मीठा पानी के नाम पे छला जा रहा है और छलावा दिखाया जा रहा है। 7 तारीख को हमारे सम्मानित पार्षदों ने यहाँ पर धरना दिया था और ये बात हुई थी कि जहाँ जहाँ नल का पानी नहीं जा रहा है वहाँ पानी पहुँचाया जाए, जहाँ पर हैंडपम्प बिगड़े हुए हैं हैंडपम्प बनाए जाए, आवास योजना वालों का पैसा नहीं गया है उसका पैसा दिया जाए, और जो के स्पंद द्वारा रोडें तोड़ दी गई हैं और नालियाँ तोड़ दी गई हैं वो रोड और नाली बनाई जाए। आश्वासन के बाद हमारे सम्मानित पार्षद 7 दिन के आश्वासन के बाद चले गए, और इसके बाद जब हमारी ये हुआ कि कमिश्नर से बात होगी तो कमिश्नर के पास समय नहीं है। ऐसा निकम्मा कमिश्नर, ऐसी निकम्मी महापौर रीवा की जनता को मिली है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमको हमारी प्रथम मांग ये है कि आईएएस कमिश्नर होना चाहिए।